दिस इज द रूम का यू आर वॉचिंग माय चैनल बी एस क्रिएटर। और मैं आ गया हूँ संडे के नए ब्लॉग के साथ, आज फिर एक नए ब्लॉग में। और आज मैं लेके आया हूँ आपको चाइनीज़ हब में। चाइनीज़ हब कह सकते हैं चाइनीज़ का फूड, लेकिन अब इंडिया में फैलाने लगा है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको अलग अलग तरह के फाइनिश फूड, ठीक है। और लोकेशन मैं बता दूँ कि मैं किदवई नगर में हूँ, किदवई नगर में कॉर्नर पर दुकान है चौराहे से, लोकेशन लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। बैनर दिखा दूँ, ठीक है, ये दुकान है आपकी, ठीक है। और अभी मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, इनका टेस्ट बताऊँगा, यहाँ का रेट बताऊँगा आपको, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। तो आपका कितना टाइम हो गया यहाँ पे दुकान ओपन किए हुए? 20 साल हो चुके हैं। तो क्या क्या वैरायटी मिलती है आपके यहाँ? यहाँ पे चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, चीज पिज्जा है, पनीर पिज्जा है। और स्पेशलिटी क्या है आपकी? स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे आपकी? स्पेशल चाउमीन हमारा है। स्पेशल चाउमीन है आपकी? हाँ, चाउमीन फेमस है। तो मतलब काफ़ी भीड़ लगी रहती लोगों को खाने के लिए आपकी? फेमस है हमारा। अच्छा, चलिए हमारे लिए बनवाया जाए, एक बर्गर पहले बनवाइए आप। बर्गर भैया को खिलाइए, पनीर वाला भैया, ठीक है। और आपको सिर्फ बर्गर ही नहीं, मेकिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग बर्गर काटे जा रहे हैं, कब से बना रहे मेरे भाई बर्गर, क्यों हो गए 3-4 साल? बहुत ये फ्राई हो रहा है हम लोग का बर्गर अभी। एक बर्गर, मतलब स्पीड देखिए भाई की कितनी है, हाथ रुक नहीं रहे इनके। कितने बर्गर बनाते हैं आप सुबह से शाम तक? कितने? अच्छा, बताते जाना भाई बन में क्या क्या लगाओगे। बताते ये क्या चीज, किस चीज की टिक्की भाई? आलू की है। अच्छा, मतलब कमी नहीं छोड़ रहे भाई आप। क्या रेट रखा है वैसे आपने बर्गर का? क्यों भाई? 15 रुपये। मतलब देखिए 15 रुपये में मतलब इतनी क्वालिटी कहाँ मिलने वाली है, वो भी कानपुर में। कहीं मिले तो बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा नीचे। लेकिन आई होप आपको मिलेगी नहीं ऐसी क्वालिटी 15 रुपये में। ये कौन कौन सॉस है भाई? क्यों भाई? चिली टोमेटो। और ये क्या लगा रहे भाई आप? अच्छा, मतलब ये इनकी स्पेशल सॉस है आपकी, मसालेदार। मतलब देख लीजिए भाई साहब, कलर देखिए आप इसका एक बार। बंदा जा रहा है तैयार हुआ भी बन के हो, बाकी अभी अभी बन रहा है, देख लीजिए अभी बन रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ तरीके से, अभी बन रहा है। ये देखिए अपने अनियन लग रहे हैं सब ब्रेडों पे। अब लग रहा है, मुझे लग रहा है बर्गर कंप्लीट होने वाला है। लुक देखिए एक बार आप, ये अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। ये किस चीज़ का भाई, क्या है मसाला?
बुकनू है। और बर्गर के सर बता दे, देखिए फिंगर भी फ्राई हो रहे हैं, पूरा डाल दिया, उगा लिए भी डाल दिए, क्रीम है भाई। ये कौन सा भाई, मेयोनीज है? ये देखिए मेयोनीज जा रही है इस पे। ओहो मतलब कसर नहीं छोड़ेंगे भाई साहब आप। पनीर भी देख लीजिए आप लोग एक बार। अब तो मतलब हर फूड ब्लॉगर के यहाँ जो भी होता है पनीर तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अब देख लीजिए मतलब अभी मक्खन से ही बैठा जाएगा। देख लीजिए अंकल जी बता रहे हैं पूरा पूरा। ये देखिए बन रख दी गई अपनी। अपने बन तैयार हो चुके हैं, देख ले देखा जाएगा। ओ हो ट्राई देखिए मतलब। तुम्हारी बारी और आपकी टेस्टिंग की, इसकी टेस्ट करके बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। और का लोगों ने ना छुट्टी हो मैकडॉनल्ड के पास टेस्ट नहीं, लेकिन जो टेस्ट आना चाहिए वो उसमें भरपूर आ रहा है। पनीर अनीर सब कुछ मतलब भरा हुआ है, आप मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो आप अगर आ रहे हो उसमें अगर खा सकते हैं, 15 रुपये प्राइस है भाई, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से खा के खा सकते हैं। लोकेशन मैं आपको बता दूँगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।